दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को बेहतर गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली, लेकिन इसके बाद उमरान मलिक का शानदार तूफान अभ्यास मुकाबले में देखने को मिला। और जो रोमांचक अभ्यास मुकाबला खेला गया उसकी पूरी डिटेल और हाईलाइट आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे, और साथ ही साथ उमरान मलिक के तूफान से भी आपको रूबरू कराएंगे। इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट को जानने के लिए वीडियो को तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस T20 सीरीज में भारत और इंग्लैंड में से किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की रोहित शर्मा के नेतृत्व में लगातार 13वीं जीत तो दर्ज हो चुकी है, और इस जीत में भारतीय टीम ने 50 रन से मुकाबला जीता, लेकिन अब अगली जीत और इंग्लैंड के खिलाफ एक भी सीरीज में न हारने के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए अभ्यास मुकाबले में उमरान मलिक का शानदार तूफान देखने को मिला, जिसे देख सभी के होश उड़ गए। दरअसल इस बार अभ्यास मुकाबले में पहले T20 मुकाबले के हिसाब से अर्शदीप सिंह की जगह उमरान मलिक को खेलने का मौका मिला, और एक बार फिर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के इस फैसले को भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने सही साबित कर दिया और 20 ओवर में 212 रन बना दिए, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना खाता 2 छक्कों के साथ खोला और शानदार अर्धशतक जड़कर 75 रन की पारी खेली। और इसके साथ ईशान किशन ने 30 रन तो वहीं विराट कोहली ने 22 रन बनाए, और इसके साथ सूर्य कुमार यादव के 15 और दिनेश कार्तिक के 25 रन के अलावा हार्दिक पांड्या के अंत में मुख्य 48 रन की बदौलत भारतीय टीम ने 213 रन का लक्ष्य विरोधी टीम को दे दिया। तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से पावर प्ले में हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय को मजबूती प्रदान करी और मात्र 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अब अंतिम 3 ओवर में जीत के लिए 48 रन की आवश्यकता थी और लिविंगस्टन ने भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 3 चौके जड़ दिए। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण 19 ओवर में हर्षल पटेल को बटलर ने 3 छक्के जड़ दिए और अपना शतक भी पूरा किया। तो वहीं अंतिम ओवर में जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता थी और रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गति के गेंदबाज उमरान मलिक को बुलाया और पहली 2 गेंदों पर 2 चौके खाकर लिविंगस्टन को 3री गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, और अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 10 रन की आवश्यकता थी और जॉस बटलर ने पहले उमरान मलिक की तेज गति की गेंद पर छक्का जड़ दिया, और इसके बाद अब 2 गेंद पर जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता थी और अगली गेंद जॉस बटलर को मलिक ने नो बॉल डाल दी और अगली गेंद पर जॉस बटलर ने अपना विकेट खो दिया, परंतु फ्री हिट के कारण वो नॉट आउट रहे और क्लीन बोल्ड होने के बाद भी बच गए। और अंतिम गेंद पर अभी भी जीत के लिए 3 रन की आवश्यकता थी, तो वहीं मलिक ने एक और दिशाहीन गेंद डाल दी और अंतिम गेंद पर 2 रन से जीतना था और मलिक ने अपनी तेज गति से यॉर्कर गेंद डालकर जॉस बटलर को चारों खाने चित करके क्लीन बोल्ड कर दिया और मुकाबला मात्र 1 रन से भारतीय टीम ने जीत लिया। और मुकाबले में जीत के हीरो उमरान मलिक ही रहे, और इसी के साथ भारतीय टीम के स्टाफ मैनेजमेंट मलिक के शानदार प्रदर्शन को देखकर खुश हुए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरे T20 मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें।